नमस्कार मित्रों, जय खैरालिंग महादेव। आज मैं अजय नोडल आपको अपने इस ब्लॉग के माध्यम से जय श्री खैरालिंग महादेव मुंडेश्वर महादेव के दर्शन कराने जा रहा हूं, जो कि कलजीखाल ब्लॉक जिला पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। एक सिद्ध पीठ है और यहां 6 और 7 जून को हर वर्ष यहां पे एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है क्षेत्रीय ग्रामवासियों द्वारा। और यहाँ आप देखेंगे कि आज 6 जून को मेले का प्रथम दिवस, जो कि एक जात बोला जाता है, जिसमें कि एक क्षेत्रीय ग्रामवासियों द्वारा एक ध्वजा का यहाँ पे रोहण किया जाता है भगवान भोलेनाथ का, और माँ काली का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ पे ये जो प्रवेश द्वार है, ये मुंडेश्वर मार्केट जो असवालचून क्षेत्र के यात्रीगण हैं आते हैं इस क्षेत्र से, और इस प्रवेश द्वार से ये प्रांगण में प्रवेश करते हुए और मेले का भरपूर आनंद लेते हुए, और ये दूसरे छोर में आप देखेंगे यहाँ पे कुछ यात्रीगण भगवान भोलेनाथ का भेंट चढ़ाने के बाद आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, और ये आगे का दृश्य मैं आपको ले चलता हूँ। ये कलजीखाल मार्केट का प्रवेश द्वार है और यहाँ बहुत ही सुहावना मौसम, यहाँ गर्मियों में जो लोग मैदानी क्षेत्रों से आते हैं, सुहावना मौसम, शुद्ध वातावरण, और यहाँ आप देखेंगे ये प्रवेश द्वार कलजीखाल मार्केट की तरफ से, और ये सामने बैठने की व्यवस्था है। यहाँ पे कुछ यात्री है, यहाँ देखिए आप बच्चे बुजुर्ग और सब हर वर्ग के यहाँ पे यात्री सेट के नीचे कुछ मेले का आनंद लेते हैं। दूसरे छोर में आपको मैं ले चलता हूँ, यहाँ पे चरखी जो है एक बचपन से ही लोगों का यहाँ पे एक पुराना यहाँ पे चलन है कि चरखी जरूर खेलनी है, एक बच्चों का एक इंटरेस्ट बना रहता है इसमें। दूसरे छोर में आपको आइसक्रीम का आनंद लेते हैं कुछ यात्रीगण, यहाँ जलेबी बहुत कलरफुल जलेबी होती है और ये फेमस है कि खैरालिंग में आप मेले में जाना है तो जलेबी जरूर खानी है। और यहाँ कुछ मेला में जो यहाँ यात्री आए हैं वो मेले का एक भरपूर आनंद ले रहे हैं, और ये आप दूसरे छोर में जाएंगे देवदारू और अन्य वृक्षों की शुद्ध हवा यहाँ पे यात्रीगण जो है ले रहे हैं, और ये दूसरे चौक में यात्री सेट बने हुए हैं। और सीधे प्रांगण की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ध्वजा जय खैरालिंग महादेव, और ध्वजा जो है क्षेत्रीय जो पूजा का जिन्होंने आयोजन किया है उनके द्वारा चढ़ाई जाती है। इस बार ग्राम मिर्चोड़ा के जो थे आयोजक हैं, और यहाँ देखिए देवदारों के छाँव में पेड़ के नीचे और हर तरह खचाखच भरा हुआ ये प्रांगण, और ये सीधे मैं आपको ले चलता हूँ भगवान भोलेनाथ के मंदिर के बिल्कुल ठीक सामने का दृश्य, जय खैरालिंग महादेव। और यहाँ आप देखेंगे यात्रीगण अपनी बारी का इंतजार करते हैं भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद, जय खैरालिंग महादेव। और यहाँ देखेंगे गुजराती टोपी में श्री भारत सिंह राव जी, जो कि भोले भक्त हैं और हमारे बड़े भाई हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हुए, और श्री सत्येंद्र सिंह पटवाल जी, जो कि एक मेला प्रेमी हैं और बड़े उत्सुक रहते हैं हर साल भगवान खैरालिंग का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और यहाँ हमारे और भी मित्र हैं जिनका मैं एक एक करके नाम लेना चाहूँगा, श्री हरीश सिंह पटवाल जी, कुमुद एंडी जी, दलवीर सिंह गुसाई जी, वीरेंद्र सिंह पटवाल जी, और भोले श्री भारत सिंह रावत जी, और हमारे जो बड़े भाई सूरज डबराल जी, ताऊ जी श्री विश्वेश्वर प्रसाद नोडियाल जी जो हरिद्वार से आए हैं, श्री जैकेट भाई जैकेट सिंह रावत जी, हरीश पटवाल जी, और यहाँ मेले का जलेबी का भरपूर आनंद लेते हैं भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद। और ये बबीता पटवाल जी, जो कि अपने जो इनके सत्येंद्र पटवाल जी हैं उनकी जो पत्नी है श्री बबीता पटवाल जी, और मेला प्रेमी सत्येंद्र पटवाल जी जलेबी अपने दर्शकों को दिखाते हुए भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पे बना रहे, और इसी तरह हर साल मेले का आनंद लेते रहे जैकेट भाई हमारे। और ये दूसरे छोर में आप बोले जाओ श्री जयविंद सिंह पटवाल जी और उनके साथ साथी श्री सुनील सिंह पटवाल जी की जो मैडम है वो, और ये दूसरी छोर में आपको ले चलता हूँ, जो है यहाँ पे मेले में जो है इस बार बड़ी तादाद में